हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप लोग को सबको पता है 13 अक्टूबर 2023 को यानी यहाँ पर आपकी जो अग्निवीर वायु वाई और एक्स की जो वैकेंसी आ रहा है उसकी रिटिन टेस्ट है, जिसमें एडमिट कार्ड आज रिलीज हो चुका है। आप अपने डाउनलोड कर चुके हैं या फिर कर नहीं किया तो अभी डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाला हूँ। ताकि ये 10 दिन पहले इसलिए वीडियो ला रहा हूँ, आपके पास सिर्फ 10 दिन बचा है और इस 10 दिन में अगर आप थोड़ी सी हार्डवर्क के साथ स्मार्टली वर्क करोगे तो आपके जो स्कोर है वो 7 to 8 mark एक्स्ट्रा आ सकते हैं, जो कि आपको कटअप्स में बहुत मदद करेंगे। हाल ही में एग्जाम्स गया है आर्मी मेडिकल में वाई ग्रुप में, जो बैरकपुर में हुआ था, उसकी आप रिजल्ट्स मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसकी जो भी हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था बंदों का 40-40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन मतलब उसी प्रैक्टिस सेट से आया था। सिर्फ बोला कि सर नंबरिंग चेंज था, बाकी डिटो सेम टू सेम कॉपी क्वेश्चन आया था। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं देखा है, 10 सेट मैंने करवाया था मिनिमम, वो जाके वो प्रैक्टिस सेट कर लेना, टाइम के साथ है। 45 मिनट का वो बिल्कुल वीडियो है, आप घड़ी बांध के आराम से रूम बंद करके उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आज से लेके 12 अक्टूबर तक मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। उसी 10 प्रैक्टिस सेट को करके जाना और उसी 10 प्रैक्टिस सेट से ही आपके क्वेश्चन आएगा, सिर्फ नंबरिंग चेंज आ जाएगा, क्वेश्चन बराबर सेम आएगा। ठीक है, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात, कटअप को ध्यान रखना। कटअप जब मैं एयरफोर्स मेडिकल का सीरीज बनाया था, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने डाले 15 से 20, जिसमें आप जुड़े हैं इस चैनल पर, तो लोगों ने 18-20 कटअप बोला कि चेन्नई में इतना गया, बहुत सारे क्रिटिसाइज़ किया मेरे को। लेकिन मैंने उनको बोला था, जो कटअप्स वाला वीडियो अभी भी जाके देख सकते हो, 1 महीना पहले मैंने बोला था 36 से लेके 38 कटअप जाएगा और 38 के ऊपर ही कटअप गया है, 36 से ही कटअप गया है, 36 37 38 गया है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन है कि सर हमने 42 अटैम्प्ट किया था, सर तो कटअप 44 में। यार तुमने 42 अटैम्प्ट किया था तो 42 में 42 बिल्कुल सही करके आए क्या? ये तुम्हें पता है कि 42 बिल्कुल सही करके आए? जब आप लोगों को अगर इतना पता होता ना मैं सही करके आया, तो 42 में आराम से सिलेक्शन हो जाता है भाई। ठीक है, 42 बहुत हाई कटअप होता है। तो इसलिए जो इसका जो कटअप है जानने वाला है, अगर आप 36 से ऊपर नहीं रखते हो, 37-36 बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स के लिए भी बताऊँगा, बॉयज़ के लिए अगर 36 से ऊपर नहीं लाते हो तो आप उम्मीद नहीं करना आपकी जो नाम है ना क्या है मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में आएगा। दूसरी बात, अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आप जाना चाहते हो, नौकरी पक्का करना चाहते हो, तो 40-42 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। सुन रहे हो ना, 42, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है भाई लड़कों के मामले में। 42 के ऊपर आपको स्कोर करना ही होगा, तब जाके आपकी नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग होके कोई बहादुरी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, शॉर्ट लिस्टिंग में कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बहादुरी दिखाना है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आओ, नौकरी अपना लो, तब जाके लोग बोलेंगे हाँ भाई आपको नौकरी मिल गया। शॉर्ट लिस्टिंग होके या रिटन टेस्ट क्लियर करके क्या फ़ायदा, जब मेरिट लिस्ट में ही कट गया, बात तो बराबर है, टाइम और वेस्ट किया। ठीक है, अगर कर रहे हो अच्छा से ले रहे हो तो एक बार अच्छे से लो और बिल्कुल मेरिट लिस्ट में नाम डालो। अभी आते हैं गर्ल्स के बारे में। गर्ल्स क्या करेंगे, अगर आपकी जो नंबर है 28 के ऊपर नहीं आया, 28 या फिर 30, अगर आप सोच रहे 24, 25, 26, बिल्कुल गलत सोच रहे। आपकी अगर 28 भी मत रखना, 30 के ऊपर अगर आपकी नंबर नहीं आते तो आपके शॉर्ट लिस्टिंग में नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, 28 मान लीजिए, 28 के बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसके बाद अगर आपके नंबर 34 से ऊपर नहीं आता है तो आप ये भी उम्मीद नहीं रखना कि आपके मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। फर्दर जो भी GT होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, फिजिकल होता है, बाद की बात है। पहले हम अभी रिटिन में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है इतने मार्क्स के लिए, ये मैं बताऊंगा। पहली चीज़, मैं जो 10 प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा, आप ईमानदारी के साथ करेंगे, हाथ में घड़ी रखेंगे, रूम लॉक करेंगे और 45 मिनट का टेस्ट देंगे वहाँ पर। जितना प्रॉपर आपसे होता है उतना मार्क्स स्कोर आप मुझे कमेंट करेंगे। ईमानदारी आपके अंदर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी आप अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या देख रहे हो, इसकी कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी आपका रेडी हो चुका है, तो इसको देखना बंद कर दीजिए, करंट अफेयर्स मत पढ़िए। तीसरी बात, आपकी मार्क्स कहाँ ज़्यादा आएंगे, आपके मार्क्स आएंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आता है, वहाँ से कोशिश करना 17 के आसपास स्कोर करने के लिए। रागा में 30 क्वेश्चन आता है, वहाँ पर कोशिश करना कि आपका जो भी बाकी स्कोर, जितने भी मेरिट लिस्ट आपको बता दिया कटअप्स, उतना स्कोर करने के लिए। इंग्लिश में अगर आपकी 10 क्वेश्चन सही हो रहे तो यहाँ पर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी का रागा सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 30 में अगर आप 25 ले आते हो, वहाँ पर अगर 10 भी ले आते हो तब भी हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन मेरे को जितना लगा है, मैंने जितना पेपर अपने टाइम पे दिया है और अभी जो पेपर मैं बना रहा हूँ उसमें इंग्लिश काफ़ी इजी आता है। मैंने यहाँ पर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की जो इंटरव्यूज़ है लाइव सेक्शन में जाके वहाँ पर भी देख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। मतलब
ज़्यादा इजी नहीं, ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हो उसको अटेम्प्ट, मतलब 45, 47, 48 तक बंदा अटेम्प्ट किया है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आजकल आने लग गया। तो इस हिसाब से घबराने की कोई बात नहीं, इंग्लिश में आपका मार्क्स ज़्यादा लाने की कोशिश करना है, ठीक है। इंग्लिश में अगर आपकी 16-17 आ गए, यहाँ पर 20 आ गए, तो कोई नहीं रोक सकता आपको मेरिट लिस्ट में भी और शॉर्ट लिस्टिंग में आने के लिए। तो ये दोनों सेक्शन आपने कर लेना है। अभी क्या करना है, जितना आपने पढ़ लिया, पढ़ाई बहुत हो गया, आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, बहुत मेहनत कर लिया, अभी क्या करना है, हर दिन में मिनिमम कोशिश करो 3-3 मॉक टेस्ट देने के लिए। मॉक टेस्ट आपको हर जगह मिल जाएगा, एयरफोर्स का जो XY बुक बोला था वो मिल जाएगा, MCQs का आपको बुक बोला था ना 15-30 सेट वाला खरीदने के लिए, अगर आपने नहीं खरीदा बहुत अच्छी बात है, फेल हो जाओ, अगर जिसने खरीदा मेरे बात मान के उसी से अभी रगड़ते रहो। जितनी मॉक टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट देने का तरीका, मॉक टेस्ट पेपर आप नहाए धो के बैठिए, रूम पर लॉक करिए, घर में बताइए मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अगले 3 घंटे तक, या फिर 1 घंटे, 1.5 घंटे, जितने भी घंटे कितने होते हैं, 45 मिनट का पेपर होता है, 45 मिनट मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, रूम लॉक करिए, हाथ में घड़ी लगी है, 1 मिनट आपका स्टार्ट होगा, साथ में आपकी 1 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट शुरू हो जाएगा। जैसे ही 45 मिनट हो गया, अलार्म बज गया, आपकी पेन डाउन हो जाएगा, वहाँ पर देखिए आपकी कहाँ कितने क्वेश्चन सही हो गए, आपको लग रहा है कि मेरा 50 नंबर्स में 30 क्वेश्चन सही हो रहा है या 35 हो रहा है, मुझे थोड़ा सा और गियर लगाना है, 7-8 क्वेश्चन और सही करना है। तो 7-8 क्वेश्चन आपका कहाँ सही होगा, यहाँ पर आप आओगे, कहाँ कहाँ आपने रुका हुआ था उसको देखोगे, एनालाइज करोगे, इनमें से इजी क्वेश्चन कौन सा था मुझे नहीं हो पाया। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है जो इजी होता है लेकिन हम लोग ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं तो वहाँ पर वो सॉल्व नहीं होता। तो यहाँ पर क्या करोगे, उस क्वेश्चन को फाइंड आउट करोगे, एक मतलब एक लिस्ट बनाओगे, ये क्वेश्चन है, उसी टाइप का सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को फाइंड आउट करोगे, उसकी सोल्यूशन निकालोगे, उसकी सोल्यूशन करोगे, उसी टाइप का क्वेश्चन और कुछ करोगे, करने के बाद आपका ये बिल्कुल मॉक टेस्ट कंप्लीट होगा। यानी मॉक टेस्ट आपका 45 मिनट में कंप्लीट नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट पेपर 45 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये नहीं कि मॉक टेस्ट पेपर 45 मिनट हो गया, सर ने बताया था दे दिया साइट, ये नहीं, इसमें तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपनी कमियां नहीं ढूंढोगे अभी, एग्जाम में फेल हो जाओगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, आपकी फादर ऐसे ही रगड़ते रहेंगे खेती में, मदर ऐसे ही एक साड़ी में रह जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ बी सीरियस, मैं जो बातें बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, मैंने किया हुआ है ये चीज़ें, मुझे बहुत ज़्यादा, चाहे NDA की एग्जाम दिया हूँ मैंने, या फिर SCC की एग्जाम दिया हूँ, या फिर आर्मी के बहुत सारे, एयरफोर्स के, आपकी XY दिया हूँ, क्लियर किया हूँ, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख लेना भाई, इन्हीं से फ़ायदा मिलता है। आप भी जितना पढ़ोगे कोई फ़ायदा नहीं, जो पढ़ा है उसको रिविज़न करिए डेली, मॉक टेस्ट पेपर में जो नहीं हुआ आपसे रह गया उसी को सॉल्व करो ज़्यादा से ज़्यादा, उसी को डेली 3-3, 4-4 जितने आपकी मॉक टेस्ट पेपर, आपकी जान जितना है ना, पूरे कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर दिए, जब मान लीजिए 35 क्वेश्चन हो गया, बाकी रह गया 15 क्वेश्चन को फाउंड आउट करिए, उसके आंसर निकालिए, उसको दोबारा करिए, उसी टाइप का क्वेश्चन और मतलब 3-4-5-6 जितना होता है उसको करिए, उसी टाइप के क्वेश्चन, मतलब एक टाइप की 3-4 करिए, करके उसको समझिए। समझ में नहीं आ रहा अपने सीनियर से, अपनी बहन से, भाई से, जो भी जिसको भी आता है, ठीक है, कभी पूछने में शर्म नहीं करना, ठीक है दोस्तों। एक एस्पिरेंट का कोई इज्जत नहीं होता, इज्जत तब होता है जब नौकरी पर लग जाता है, ठीक है। तब जब आप है ही नहीं इज्जत, तो किस लिए घबराना, ठीक है। तो पढ़ाई वढ़ाई में घबराना नहीं है, पूछने पर, जूनियर है सीनियर है पूछ लो किसी से, गर्लफ्रेंड्स को आता है, बॉयफ्रेंड को आता है, पूछ लो भाई ये कैसा होगा बता दो थोड़ा, ठीक है। तो ये पूछ पाछ के बिल्कुल आपने क्या करना है, उसको सही करना है और फिर आगे मॉक टेस्ट पेपर देना है। ये जो 10 दिन है ओनली मॉक टेस्ट पेपर रिवीजन, मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन, कोई करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं। आपकी GK के 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन आता है हार्डली, मैथ करना है और रीजनिंग करना है दबा के, इंग्लिश भी करना है, ये तीनों चीज़ों पर आपने फोकस करना है और मॉक टेस्ट पेपर लगाना है। आप 10 दिन इसको करिए, सिर्फ 10 दिन, मेरी बात मानिए, बड़े भाई के नाते, सर के नाते, जो भी मानते हो, ठीक है, दुश्मन मानते हो, जो भी मानते हो, 10 दिन करिए, आपको देखना बेटर रिजल्ट आएगा। आपकी जो क्वेश्चन होगा 40 से ऊपर आप अटेम्प्ट करोगे, मतलब 45-47 अटेम्प्ट करोगे, उसमें से 40 आपकी क्वेश्चन सही होगा। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है, आज तक रिपीट होके आया है, x² + b² = 2ab, यहाँ पर m² + n² = mnc, ऐसे ही होगा क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ जो आपका लेटर्स है ना वो चेंज हो जाएगा, प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। पहले आता था कि एक घर बनाने के लिए 4 बंदे को इतना टाइम चाहिए होता है, और मतलब दूसरी बार क्या आएगा पता है, इस वाले घर को 4 बंदा नहीं, वहाँ आ जाएगा 8 बंदे को बनाने के लिए इतना टाइम चाहिए, अगर वो बंदे कम हो गए तो कितना टाइम में बनेगा, ज़्यादा हो गए कितना टाइम में बने, सिर्फ नंबर चेंज होगा। और ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आपने उस प्रोसेस को समझा है, उस प्रणाली को समझा है, उस ट्रिक्स को पकड़ा है ना, उसी से सॉल्व होगा। ट्रिक्स डालिए, उसमें नंबर्स डालिए, आंसर निकलिए फटाफट। जब भी आप आंसर देते कोशिश करना नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना, प्लीज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना, मैं बता दिया। नेगेटिव मार्किंग अगर लेते हो आप अपने पैर पे कुड़ारी मार रहे हो,
अगर वो चीज़ें नहीं पता है आपको तो नेगेटिव मार्किंग मत लीजिए, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन जितना आपको पता है सटीक आंसर दीजिए, पेपर एंड पेन डाउन करिए और आ जाइए, ठीक है। उसमें नेगेटिव मार्किंग लोगे फालतू में, जो सही क्वेश्चन होगा वो गलत हो जाएगा, फिर उनमें से माइनस मार्किंग हो जाएगा, जो सही क्वेश्चन होंगे उनमें से भी आपकी कट जाएगा, तो क्या फ़ायदा। जो चीज़ें आपको पता है इसीलिए ये चीज़ें करोगे, अभी प्रैक्टिस सेट ख़त्म करोगे तब जाके होगा। कल से आपकी प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, प्रॉपर 45 मिनट का आएगा और प्रॉपर आप एग्जाम देंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे सर हमारा इतना स्कोर आ रहा है, यहाँ पर मैं अटक रहा हूँ और यहाँ पर ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। आपकी ईमानदारी आपको जॉब दिलवाएगा, आपकी फादर मदर, आपकी घर की, आपकी पर्सनल लाइफ बेटर करेगा। मेरा कुछ नहीं होगा इसमें से, ना मेरा कुछ फ़ायदा है, मुझे एक ही फ़ायदा है, आपकी जो मैसेज आएगा, जैसे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के कम से कम मेरे पास 50 बंदों के मैसेज आया, 50 लड़के के मैसेज आया और मुझे 50 मिलियन की पैसे मिले, कैसे, खुशी की पैसे मिले, ठीक है। और आप लोगों की जब कमेंट्स आते हैं ऐसे कि सर आपकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, ये चीज़ें मतलब खुशी की जो आंसू आता है अंदर से जो बाहर दिखते नहीं, वही एक खुशी है जो मुझे आप लोगों से चाहिए। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए यू कैन कनेक्ट विथ व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके इंस्टेंट आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। साथ में अभी सिर्फ फोकस करिए सिर्फ रिटिन पे, यही रिटिन आपको मेरिट लिस्ट में आगे बढ़ाएगा, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म दिलवाएगा, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, आप दोनों के लिए ये मेरी तरफ से कुछ एडवाइस है, कुछ सजेशन है, आपको अच्छा लगे आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे वीडियो को स्किप करके आप जिसको फॉलो करना है उनकी बातों पर फॉलो करके कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।